सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पे नोटिफिकेशन जारी कर दिए है आरपीएफओ पदों के लिए और एफओ पद के लिए जो भर्ती जारी की है, ये लगभग 200 पदों की भर्ती की जाएगी। बहुत अच्छी नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस वीडियो में आपको मैं ACF और RFO के जो एग्जामिनेशन है इसके डिटेल्स के मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ कि इसको कैसे, इसके एग्जाम पैटर्न, इसके सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स और इसकी कितनी फीस लगेगी, कितनी सैलरी इसमें मिलेगी, आपको सारी डिटेल वीडियो में देने वाला हूँ। इसका फॉर्म ओपन हो चुका है यानी चालू हो चुका है। इसकी जो नोटिफिकेशन आई है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फॉरेस्ट कन्वर्टर रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आज का वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो नेम है वो है UPPSC ACF और RFO ऑनलाइन फॉर्म। इसका जो पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट फॉरेस्ट कन्वर्टर एंड रेंज ऑफिसर के लिए ये भर्ती जारी की गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी है वो 21 अप्रैल 2020 है और इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट आपकी 18 मई 2020 है। इसके बाद जो लास्ट डेट पेमेंट करने के लिए, फी पेमेंट करने के लिए वो 18 मई है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए ₹125 जारी की गई फीस और OBC के लिए भी 125, SC ST के लिए आपके लिए ₹65 फीस देनी होगी आपको। इसके बाद जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए ₹25, जो दिव्यांग हैं उनके लिए ₹25, ठीक है। इसकी जो पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इसकी पेमेंट कर सकते हैं और ई चालान के माध्यम से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो उत्तर प्रदेश की होगी। इसके बाद जो आपकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम एज होगी वो 21 साल होगी, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होगी। एज रिलेशन आपको UPPSC जो नोटिफिकेशन आई है उसमें आपके रेट की छूट के बारे में दी गया है, वहाँ से आपको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आप नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी, टेंटेटिव एग्ज़ाम भर्ती है 200 पोस्ट पर। इसके बाद आपकी जो पोस्ट नेम मैंने पहले ही बता दिया, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बता दिया। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो इसमें सब रजिस्टर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें कैंडिडेट को LLB लाख डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप टू ग्रेड वन के लिए, इसमें भी आपको BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो इसमें आपको भी किसी भी इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B के डेवलपमेंट ब्रांच के लिए, इसमें आपको BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर के लिए इसमें आपको BCom की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड सेकंड के, इसमें भी आपको ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट लेबर कमीशन की, इसमें आपका आर्ट से सोशोलॉजिक से ला होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से मैं आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशोलॉजी या फिर सोशल साइंस या फिर होम साइंस से आपको उसको ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आता है सीनियर लेक्चरर DEIT, ठीक। इसमें आपको कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए या फिर BEd का एग्जाम पास होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, इसमें आपकी PG डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आता है डिस्टिनेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी, ऐसे करके बहुत सारी इसमें वैकेंसीज हैं तो आपको इसमें सारी डिटेल पढ़ लेना है। इसमें आपका जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है इसमें भी आपको दिया गया है, इसमें आपको सोशोलॉजी, कॉमर्स या सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट इनके साथ आपके पास लाख डिग्री होनी चाहिए इनके साथ में। इसके बाद आता है एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रुप 2, इसमें BSc पास आउट होनी चाहिए, 15 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर 3 साल का होटल मैनेजमेंट का आपके पास कैटरिंग का होना चाहिए डिप्लोमा या फिर आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, इसमें भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम इकोनॉमिक्स से, मिनिमम 55% यानी 55% से आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, इसमें भी आपका LLB पास आउट होना चाहिए। इसके बाद आता है लॉ ऑफिसर मंदिर परिसर, इसमें भी आपका LLB होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है मार्केटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ग्रुप 2 मंदिर परिसर जिसे बोलते हैं, इसमें भी आपके पास एग्रीकल्चर
मार्केटिंग साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक के साथ आपको ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप उस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों मैं इसकी फिजिकल डिटेल्स की बात करें तो इसकी जो हाइट की बात करें तो इसमें हाइट मांगी गई मेल कैंडिडेट के लिए 163 और इसमें जो आपका जो चेस्ट मांगा गया है इसमें हाइट मांगी गई है वो मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट मांगी गई है। और जो चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपके मेल कैंडिडेट के लिए 84 से 89 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 से 83 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसका अप्लाई करना होगा आपको। इसके बाद आपकी बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले आपका प्री एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर दोस्तों इसके में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी बात करें तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इस नोटिफिकेशन में आपके सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, सारी पोस्ट लिखी हैं, इसमें कितनी क्या सैलरी आपको मिलेगी, सारी डिटेल्स में दी गई हुई है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना। और इसके सबसे नीचे जो लास्ट में आप जाएंगे 28 पेज की आपकी नोटिफिकेशन आई है, इसके सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, इसमें कैसा क्या एग्ज़ाम होगा, इसमें मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी की बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों आप देख सकते हैं सैलरी इसमें आपकी जो फर्स्ट नंबर की सैलरी में बात करते हैं असिस्टेंट कन्वर्टर और फॉरेस्ट के लिए इसमें आपको जो 15,600 से 39,600 रुपये में होगा प्लस आपको 5400 PF फंड ये मिलता है, जिसे बोलते हैं पे मैट्रिक ग्रुप बी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आता है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट, इसमें आपको 93,800 रुपये तक की मिलेगी आपको सैलरी। ठीक है, इसमें जो आपका जो आठवें वेतन से जो दिया जाएगा पैसा उसमें जो देख रहे हैं आप लिखा है लेवल 8 पे मैट्रिक से यानी आठवें वेतन लागू जो होगा उसमें आपको 47,600 रुपये से 151,100 रुपये तक की फीस आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी सारी डिटेल दी गई है, आप इसको इस नोटिफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा इस कमेंट में बॉक्स में। ठीक है, और मैं सबसे नीचे आता हूँ, इसमें सारी डिटेल लिखी है कि कैसे इसको अप्लाई भी करना है, कैसे क्या हो सब इसमें लिखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपके कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो पेपर होगा इसमें भी लिखा हुआ कितने नंबर का आएगा। ये कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं जनरल हिंदी ऐसे जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इसमें जो मार्क्स भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे मैं आता हूँ इसके मॉडल पेपर भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें मॉडल पेपर जो दिए हुए हैं वो ऐसे देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो है देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ का जो ये मॉडल पेपर है ये देखिए जनरल स्टडीज़ थर्ड सेकेंड फोर्थ सब इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और मैं नीचे देखता हूँ पहले, ये आप देख सकते हैं, देखिए हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र इसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको बता दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।